बेवकूफ चालक अपनी छाती पाउंड करता है और एक टर्न बाइसन टॉन्स, और यह ठीक वैसे ही चला जाता है जैसा आप उम्मीद करेंगे। छोटी क्लिप में नेशनल पार्क में दो तरफा सड़क पर जानवर के पास एक छाती पहने हुए आदमी को उसकी छाती पर मारना देखा जाता है। यह एक चौंकाने वाला क्षण है जब चालक अमेरिका के नेशनल पार्क में एक विशाल बाइसन को टोन करता है इससे पहले कि वह सड़क से उसे पीछे छोड़ देता है। उस आदमी के पास आने पर आदमी अपनी छाती को धड़कता है जिसने दो तरफा सड़क पर यातायात को अवरुद्ध कर दिया। बाइसन जो 2000 वजन कर सकता है और 6 फीट लंबा खड़ा हो सकता है, इसमें से कोई भी नहीं है और तुरंत उस व्यक्ति पर आरोप लगाता है। एक बाइस्टेंडर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, हे भगवान, मैं नहीं देख सकता क्योंकि बाइसन ने दूसरी बार आदमी को चार्ज किया एक और उसे वहां से निकलने के लिए आग्रह किया जा सकता है। क्लिप समाप्त होने से पहले आदमी और बाइसन अपने अलग तरीके से जाते हैं। नेशनल पार्क के लिए नेशनल पार्क सर्विस की आधिकारिक वेबसाइट पर एक चेतावनी संदेश में यह कहता है, जंगली जानवर अप्रत्याशित और खतरनाक हैं। हर साल जब होते हैं तो लोग घायल हो जाते हैं। जानवरों पर हमला करने वाले जानवरों को स्थानांतरित या मारने की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा सलाह देती है कि आगंतुक हमेशा भालू या से कम 100 गज की दूरी पर रहते हैं और कम से कम 25 गज की दूरी पर अन्य सभी वन्य जीवन से दूर रहते हैं।